राधे राधे मेरा सभी से। अब देखिए, मैंने आपको अपने पहले पार्ट में इतना ये बनाना बता दिया था। जिसने भी नहीं देखा है वो पहला पार्ट देख लें, तब फिर इस दूसरे पार्ट को देखकर ये जो हमारा पायदान है उसे बनाए। तो चलिए इसे अब हम आगे बनाते हैं। अब देखिए आगे हमें क्या करना है। अब फिर से हमें नीले वाला जो है उनको, ये वाला जो कलर है इसे फिर से चेंज करना है। इस वाली लाइन में ऐसा ही करेंगे। चार तो ये हैं हमारे, और चार इसमें से ले लूंगी। एक, दो, तीन, चार। चार ये ले लिए मैंने। अब जो फंदे हैं वो इस कलर से बनाएंगे। अब देखिए, अब तक हम फंदों को छोड़ रहे थे, अब छोड़ेंगे नहीं, धीरे धीरे दो दो करके फंदों को लेंगे। तो बीच में गैपिंग है तो उसको सही करने के लिए मैंने एक फंदा उठा लिया, और देखिए दो का एक कर दिया, और एक फंदा और, यानी अब दो दो करके हम फंदों को ले रहे हैं। और यहीं से फिर से अपनी बनाएंगे। जो जिस कलर का है इस साइड से वो उसी कलर का बना देंगे। अब देखिए इस साइड से हमें क्या करना है। अब हमें क्या करना है, अपना जो ये क्रीम वाला कलर है इससे फंदे को बढ़ाना भी है। उसे थोड़ा सा दबा देते हैं पहले, जिससे कि ये उस साइड से सही से बने। तो ये देखिए, दबाने के बाद फिर से हमें क्या करना है, फंदे को बढ़ाना है। एक फंदा हम बढ़ाएंगे इस तरह से, और एक इसमें से ये बढ़ गया हमारा फंदा। नीले वाले को थोड़ा सा खींच लेते हैं जिससे ये टाइट हो जाए, और इस तरह से खींचते हुए, और ये देखिए एक फंदा इसमें से, यानी नीले हमें दो फंदे लेने हैं और एक फंदा हमारा बढ़ गया, जैसा हमने ये बनाया था बिल्कुल वैसे ही। अब देखिए, अब नीले से बनाएंगे फंदे। हमारा फंदा बढ़ रहा है इसमें एक एक करके, जैसे हमने पहले क्रीम कलर वाली में बढ़ाए थे बिल्कुल वैसे ही। अब ये इतने इसी से बनाएंगे। अब हमारा जो ब्लू कलर है वो इतना ही रहेगा, अब इससे ग्रीन से बनाएंगे। और एक फंदा फिर से उठाएंगे, ये देखिए, और दो का एक करेंगे। इसी तरह से करना है हमको। बहुत ही आसान डिजाइन है ये हमारा, ये देखिए। अब यहां से इसे मुड़ा लेंगे फिर से, और इस साइड से बनाएंगे। जैसे दो दो फंदे छोड़े थे एक साइड से, तो हम, यानी कि हमारी इस साइड से, तो हम वो क्या कर रहे हैं, दो दो फंदे जैसे छोड़े थे वैसे ले रहे हैं। जो जिस कलर का है उस कलर से बनाएंगे।
ये देखिए, अब फिर से एक फंदे को और बढ़ाएंगे, और इसमें से दो फंदे लेंगे, फिर ब्लू कलर से बनाएंगे, अब हम ग्रीन वाले चार फंदे ब्लू बनाएंगे। जैसे हमारे फंदे बढ़ रहे थे, अब ऐसे देखिए, यहां पर मैंने ये चार फंदे बनाए, अब चार और बनाऊंगी, एक दो तीन और चार, चार फंदे। अब ग्रीन से बना लेते हैं, फिर से एक फंदे को उठाएंगे गैप को कवर करने के लिए, और ये देखिए फिर से, ये देखिए। अब फिर से हम क्या करेंगे, इस साइड से एक फंदा और बढ़ाएंगे, और दो फंदे ब्लू वाले बनाएंगे क्रीम, इसमें से एक फंदा फिर उठाएंगे इस तरह से, और ये देखिए घटा भी दिया साथ साथ में। अब यहीं से बना रहे हैं हम फिर से, अब देखिए जो जिस कलर का है उस कलर का बना लेना है।
देखिए कितनी सुंदर हमारी डिजाइन ये बन रही है, बहुत ही आसान तरीके से। फिर से क्या करेंगे, एक फंदे को बढ़ाएंगे, ये देखिए। दो फंदे और ले लेंगे इसमें से, एक और ये दो। अब ब्लू कलर से बनाएंगे और चार फंदे हम उसमें से ब्लू कलर के और बना देंगे, ये देखिए। इसमें से एक दो तीन चार, फिर से एक फंदा उठाएंगे इस तरह से। अब देखिए हमारी चार लाइन होने के बाद, एक दो तीन चार, क्रीम वाली चार लाइन बन गई, एक दो तीन चार, चार लाइन यहाँ पर है। उसी के बाद से हमारा ये फंदे घटना शुरू हो गए। तो या तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, या फिर इसका दूसरा तरीका, बारह फंदे हमारे इसमें 12 फंदे हैं, तो आप उस तरह से भी समझ सकते हैं इसे। या तो आप 12 फंदे काउंट कर लें कि क्रीम कलर के कब हुए हैं, या फिर चार लाइन, जैसे भी आपको सही लगे वैसे आप इसे कर सकते हैं। तो 12 फंदे हैं, वो भी आपको गिन के बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 फंदे हुए हैं, या फिर चौथी लाइन, चार लाइन कंप्लीट। अब यहाँ से फंदों को घटाना शुरू करेंगे। तो 2 का 1, एक फंदा कम हो गया मेरा। जैसे एक एक करके फंदे बढ़ाए थे वैसे ही एक एक करके कम होने हैं। अब क्रीम वाले 2 फंदे फिर से नीले बना देने। ये देखिए फिर से एक फंदे को उठाएंगे और 2 का 1 करेंगे। यहीं से बनाएंगे अब।
इस लाइन में जो जिस कलर का है उस कलर का बना देंगे। तो ये देखिए, फिर से 2 का 1 करेंगे। और देखिए 2 क्रीम वाले ब्लू बना देंगे। अब फिर से 4 फंदे हमें ब्लू बनाने हैं, 1, 2, 3, 4। अब इससे बनाएंगे। और 2 फंदे फिर उठाएंगे हम, सॉरी दोस्तों, 1 फंदा उठाने के बाद इसे घटा देंगे और 2 फंदे बनाएंगे। एक ये बन गया, एक और। देखिए कितनी अच्छी डिजाइन लग रही है हमारी। इस साइड से तो हम कुछ करते ही नहीं है, जो जिस कलर का होता है उस कलर का केवल फंदा बना देते हैं। अब फिर से हम क्या करेंगे, 1 फंदे को फिर घटाएंगे। और 2 फंदे फिर से बना देंगे नीले कलर के।
इस तरह से। इस तरह से इस साइड से तो ये देखिए सारे फंदे हमारे बन गए। अब देखिए इस साइड से क्या करना है, फिर से फंदा घटाना है लेकिन क्रीम कलर से नहीं, नीले कलर से। और ये चार फंदे फिर बना लेंगे हम, एक दो तीन और ये चार। अब इससे बनाएंगे, एक फंदे को उठाएंगे और दो का एक करेंगे। अब देखिए हमने चार फंदे ही नहीं, इसमें सारे फंदे अपने ब्लू कलर के बनाने हैं। देखिए जैसे कि मेरे इधर इधर सेम है, इधर इधर सेम है, इधर इधर, इधर और इधर, बिल्कुल एक जैसा बन चुका है। अब सारे फंदे हमें ब्लू कलर के बना देने हैं। एंड वाले दो फंदे इनको भी बना देंगे इस तरह से। ये देखिए ये हमारे बन गए। तो दोस्तों ये एक कली हमारी बनके तैयार हो चुकी है, पूरी एक कली बन गई है।
इसी तरह से हमें ये पूरा जो हमारा पायदान है वो बनाना है। तरीका बिल्कुल यही है, इसी तरह कली बनाते हुए पायदान को पूरा करेंगे। आपको अभी थोड़ा सा और बता देंगे हम आगे कि दूसरी कली हमें किस तरह से शुरू करनी है। इस साइड से तो कुछ भी नहीं, जो जैसा है वैसा ही बनेगा। ये देखिए बहुत ही सुंदर और प्यारी सी एक कली बिल्कुल तैयार। अब दूसरी कली बनाते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, शुरू से ही फंदे को बढ़ाएंगे। क्रीम कलर से फंदा बढ़ाया, एक ब्लू लिया, एक और दो, इस तरह से दो फंदे ये अब ब्लू कलर के बनाते हैं। एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और अठारह। 18 फंदे और दो, ये टोटल 20 फंदा। उसके बाद फिर से ग्रीन से और एंड में आके तो दो फंदे हमें छोड़ने ही हैं हर बार। इसी तरह से ये देखिए हमारी दूसरी कली शुरू हो गई है। तो दोस्तों इसी तरह से हमें अपना पूरा पायदान कंप्लीट करना है। जैसा कि ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट करके ये देखिए बिल्कुल कंप्लीट है, इस तरह से ही करना है। तो ऐसे ही हम इस पायदान को भी बना लेंगे। तो देखिए हमारा ये पायदान बनके तैयार हो गया है बिल्कुल। और मैंने ये वाली लाइन एंड वाली इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि ये मैंने स्टार्टिंग में बना दी थी, तो मैं अगर इधर भी बनाऊंगी तो दो लाइन एक जैसी हो जाएंगी तो अच्छी नहीं लगेंगी। इसीलिए जो जो ये फंदे जिस कलर के हैं मैं उसी कलर से उन्हें घटा देती हूँ। तो हम इसे अब पायदान को पूरे फंदों को घटा देते हैं जिससे कि हम इसे सिल सकें। तो ये देखिए एक घट गया, दो फंदों को एक साथ लेके फिर से दूसरा फंदा घटा देंगे। फिर अब कलर चेंज करेंगे क्योंकि हमारा दूसरा कलर है अब, तो इस कलर से घटाएंगे फंदे। तो ये देखिए हमें हमारे सारे फंदे इसी तरह से घटाने हैं। ये देखिए इस तरह से
बहुत ही आसान है इन्हें घटाना भी, और जो ये हमारा पायदान है वो भी मैं उम्मीद करती हूँ आपको आसान लगा होगा मेरा बताने का तरीका। और फिर भी कुछ समझ में नहीं आया हो दोस्तों तो कमेंट कर लें। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से अब फिर से हमारा कलर चेंज हो रहा है, तो अब इस कलर से घटाएंगे हम, जो जिस कलर के हैं उसी कलर से घटा रहे हैं जिससे ये एक जैसे रहे। तो ये देखिए अब हमारे सिर्फ ये 6 फंदे बचे हैं, इनको भी हमें इसी तरह से घटा लेना है। बहुत ही आसान तरीका है हमारा घटाने का, आपको समझ में भी आ गया होगा। और ये देखिए इस तरह से ये पायदान हमको बना लेना है। ये इसमें ये कली जो है वो अलग बनी हुई है, और ये देखिए हमारी ग्रीन कलर जैसी है ये वाली, ये अलग बनी हुई है, और ये वाला जो कलर है वो अलग है। 3 कलर में मैंने इसे बनाया है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये पायदान तैयार है। और इसे यहाँ पर हम इसी तरह से सारे फंदों को घटाने के बाद इसे यहाँ पर ये देखिए इस तरह से रख कर सिल लेंगे। ये कुछ ये तरीका रहेगा हमारा इसे सिलने का, तो इस तरह से रख के सिल लेंगे और हमारा ये पायदान जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये जो पायदान की डिज़ाइन है ये कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे ऐसे ही नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।